हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात करें तो स्कूल्स भी शुरू रहे होंगे, लेकिन कोर्स शुरू हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहे होंगे आपके। इस बीच यहाँ पे न्यूज आई कि सीबीएसई ने 30% कोर्स को क्रैश कर दिया आपके, और कोर्स रह गया 70% आपको करना है। सीरियसली अगर बात बोलूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक छोटा टोकन दे दिया गया और कह देगा कोर्स 30% ऑफ हो गया। रीजन क्लियर करता हूँ, जो कोर्स कंटेंट काटा गया गाइस वो दूसरे चैप्टर में ऑलमोस्ट आ रहा है। अगर मैं बात करूं कोर्स कंटेंट कम हुआ, यस 5-7% आपका कोर्स कंप्लीट हुआ होगा, जिसको बोलते हैं कट हो गया कोर्स से, लेकिन प्रिपरेशन पूरी करनी। अब बात करें पेपर का, सर 100 नंबर का पेपर है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं किया, जितना चैप्टर की वेटेज थी उतनी रखी, जो 10 का था 10 का ही है, जो 12 का था 12 ही है। सर जैसे इनकम अगेन 10 मार्क्स, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट अगेन 12 मार्क्स, एंड रिमेनिंग ऑल आर 666। तो हमने कहा सर इनको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को क्लियर करना है। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो यहां पे 3 मेजर चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जिनमें 2 मेन डोमिनेंट की बात करूं, जैसे कि हमारे पास नेशनल इनकम एंड डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो चेंज हुआ क्या सर? सर गवर्नमेंट बजट में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर में क्या गया, दैट इज मनी एंड बैंकिंग एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इनमें जो चेंज किया गया वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा धोखा दिया गया आप लोगों को, यहाँ पे उसको क्लियर करता हूँ। करना क्या है, करने का तरीके क्या, किन बेसिस को क्लियर करना है, तो एक एक चीज को फॉलोअप करते रहना। और हाँ, जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि इकोनॉमिक्स तो दिक्कत है, गाइस कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट में आए, कमेंट करें। आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट क्लास 12 फॉर ऑनलाइन बैच, दोज गोइंग टू टेक माय फ्री लेक्चर्स, जो ज्वाइन करें फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नंबर को वहां कमेंट बॉक्स में डाल देना है। लेट्स स्टार्ट द थिंग। द फर्स्ट थिंग, मनी एंड बैंकिंग। क्या है मनी एंड बैंकिंग, कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है? पहला, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट। सर बैंक रेट जो कंट्रोल करता था बैंक, उसको खत्म कर देगा, ये कोर्स से हट गया। मैं आपको पूरा कोर्स ही बता रहा कि ये आएगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन कौन सा पार्ट नहीं आएगा। I'm not here to waste your time कि यार सब कुछ बताऊं जो ऑलरेडी आपको पता है कि यार ये भी कोर्स में। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो कोर्स में नहीं है, कौन सी चीज आपको इस बार नहीं पढ़नी है, तो उसका ध्यान रखना। तो यहां आ गया हमारे पास कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट। पहला, व्हाट इज बैंक रेट, आप जानने की जरूरत नहीं है, किसने बोला नहीं है, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आप ये सब पढ़ोगे। Then, CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, repo rate and reverse repo rate. किस रेट पे सेंट्रल बैंक बैंक्स को, वर्ष बैंक्स को पैसा देता है और उनसे जो लेता है रिवर्स रेपो रेट, दोनों बताएगी। देन वी हैव द ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगेन देयर इज नो नीड टू रिमूव दिस पार्ट, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ते कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जब मार्केट पढ़ते हैं वहां हम ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्लियर करते हैं। एंड देन वी कम टू द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये वो पार्ट है जो आपको काटा गया किसमें, मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग इज रियली द इजीएस्ट चैप्टर इन इकोनॉमी फॉर क्लास 12। When you are studying in class 12, तो मैं कहता हूँ वो से चैप्टर सबसे पहले करने थी, जिनमें मनी एंड बैंकिंग मेरी पहली प्रायोरिटी बना था, कि चैप्टर बहुत इजी टू ग्रैब है, जिसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम बाय वर्किंग ऑन दी चैप्टर्स। देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है। सर इसमें जो नहीं पढ़ना वो बता रहा हूँ आपको। पहला, बीओपी डेफिसिट में नहीं, बीओपी में डेफिसिट में नहीं क्या होता है, अच्छा A state of market where the government have no interference is known as to be a free market, free state of market कहलाते हैं, उसे उसको clear किया गया। Jump करते हैं second part के ऊपर, ये तो क्या first part, so first part पूरा दिया गया। So what about the other chapters such as the national income, determination of income and employment and sir जो important था government budget, उन तीन में किसी तरह का कोई change नहीं हुआ। रिपीट, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया उन चैप्टर में। आपने कहा पहला चैप्टर नेशनल इनकम 10 नंबर का था, 10 नंबर का ही है गाइस। देन वी कम टू द अदर, बीओपी सर 6 नंबर का था, 6 का ही है। बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट की, सर इट्स 12 मार्क्स 12 का चैप्टर आज भी है, उसमें सब हम पढ़ रहे हैं, यहां कटा है। देन वी आर हैविंग
बीओपी, तो ये कोर्स था हमारे जिसको हमें क्लियर करना था। तो यहाँ तो होगी मैक्रो इकोनॉमी की बात, मैक्रो इकोनॉमी क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, वो दोस्त हुआ है फॉलिंग किया नहीं याद, ये तो नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए आप आओ, आई ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम एज सून एज पॉसिबल। जब कहते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो उसके बाद भी अगर 30% रिडक्शन दी थी तो यहाँ काटी जा सकती, नहीं की गई, फीलिंग सैड फॉर दिस। कहता है करंट चेंजेस चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, नंबर वन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इसको हटा दिया पूरी तरह से, ये कोर्स में नहीं आ रही, आगे के लिए नहीं, इस साल के लिए नहीं है गाइस, इट्स जस्ट ड्यू टू कोविड-19। देन वी विल कम टू द ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, तो ऑल्टरनेटिव फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कोर्स से हटा दिया गया। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह क्लियर करेंगे। तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन की कौन कौन से चैप्टर कोर्स से कट हुए, और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, आपको टिप्स दे दूंगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इस बार 20 नंबर प्रैक्टिकल के हैं गाइस, कई लोग अगर बोलते हैं कि प्रैक्टिकल्स हट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल्स के 20 नंबर कंफर्म है जो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। देन जंप टू द अदर पार्ट, जो डेफिनेटली हमारे काम करेगा वो अदर पार्ट्स के हैं कि कैसे करनी है प्रिपरेशन इकोनॉमी की क्लास 12 के लिए, हाउ वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आवर इकोनॉमी पेपर, इसके कॉन्सेप्ट के एक चैप्टर जो आपको करना ही करना है, दैट इज फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमी सर नेशनल इनकम की बात करूं। यहां पे इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमी के टिप्स दे रहा हूं जिसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में अगर बात करूं, सबसे पहले आप नेशनल इनकम को रोल करेंगे गाइस, यू नीड टू डू नेशनल इनकम फ्रॉम द बेसिक्स, वो बहुत ही इजी चैप्टर जिसमें पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या, अक्सर कैपिटल गुड हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, या फाइनल गुड्स हो गए हमारे पास, ठीक है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, कंजम्पशन गुड्स हो गए, इनको क्लियर करना, बेसिक फंडा क्लियर करना, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हमारे पास सर कंपोनेंट्स दिए नेशन का, जीडीपी, जीएनपी, एनपी, एनडीपी, एफसी और एमपी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको ना समझाता हूं मैं वीडियोस डाल चुका हूं ऑलरेडी, आप देखिए और आगे भी वीडियोस डालूंगा, और जिस ग्रुप पर की बात कर रहा हूं मैं, कितने बच्चों के लिए बनाऊंगा उस ग्रुप के अंदर साइज में दूंगा आप लोगों। तो आपने कहा यहां हमारे पास कॉन्सेप्ट बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि हम कैसे पढ़ने वाले। अब आते हैं नई चीज पे, नए पैटर्न के ऊपर, ये नया पैटर्न क्या है, कैसे हम इसको ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो दिमाग में आ रही है बार बार, वो आ रही है कि सर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको सबसे पहले करना है। तो अब आप लिखो कौन से तीन चैप्टर्स हैं जो सबसे पहले आप करेंगे। सबसे पहले आपने नेशनल इनकम में नहीं करना, सबसे पहले आपने बीओपी, मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट, ये तीन चैप्टर्स को ऑन टिक कर लेना है। यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 एंड वरीड अबाउट योर इकोनॉमी पेपर, देन यू गाइस फर्स्ट नीड टू डू दीज थ्री चैप्टर्स, दैट इज गवर्नमेंट बजट, आई रिपीट गवर्नमेंट बजट, अगर इसको समझना है तो आप अपने अपने घर के बजट को क्लियर करो। घर का बजट क्या होता है, जितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है, आने और जाने का हिसाब लगाना है, इन एंड आउट, इन एंड आउट हम सब बहुत अच्छे क्लियर करते हैं, तो इन एंड आउट को क्लियर कर देना गाइस। ये इन एंड आउट बहुत ईजी है, द मनी दैट कम्स एंड मनी दैट गोज, इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझना गवर्नमेंट बजट है। अब गवर्नमेंट बजट को कैसे क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, साइज भी बहुत अच्छे जानना चाहिए। देन वी विल कम टू मनी, सर गवर्नमेंट बजट के मनी एंड बैंकिंग की बात करते हैं। मनी एंड बैंकिंग में डिडक्शन है हमारे पास, यस वी डू हैव अ डिडक्शन, आप देख रहे हैं बहुत ईजी है, खाली मनी के कॉन्सेप्ट को समझना है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी जंप टू द लास्ट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस पेमेंट की बात करते हैं क्वेश्चन कंफर्म आता था, बीओपी एंड बीओटी इसके डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको कहा तीन चैप्टर सबसे पहले के चलना, छह नंबर के चैप्टर, 18 नंबर तो ही बनते हैं, वो इन 18 में से डेफिनेटली एवरेज स्टूडेंट भी कम से कम 15 स्कोर कर सकता है। आई रिपीट, एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर 15 आउट ऑफ 18 इन दीज थ्री चैप्टर्स। आई रिपीट द चैप्टर्स, द गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग एंड बीओपी, ये पहली चॉइस रहेगी आपकी। Then you need to jump to the national income. So national income is really a easy chapter. Somehow people think that it's a difficult to understand. Sorry, it's not difficult to understand. It's very easy. आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, आपको उसको क्लियर करना है और बहुत अच्छे से समझ पाओगे नेशनल इनकम क्या है।
एंड देन कम टू द लास्ट पॉइंट जहां पे थोड़ा सा दिमाग को यूज करना होता है, मुश्किल नहीं है चैप्टर, बहुत इजी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको कैसे क्लियर करेंगे, किन बेसिस को समझना है, इनकम एम्प्लॉयमेंट में मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है सर, आते आते कंफर्म पेपर आता है सर, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हमारे पास सेविंग फंक्शन को क्लियर करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन क्लियर करेंगे, ADAS को क्लियर करेंगे सर, इतना कुछ सारी वीडियोज हैं ऑलरेडी, जिसको समझ नहीं आएगा वो मुझे बोलेगा, मैं उसके लिए डेफिनेट डालूंगा और क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट। Then we guys need to have the numericals from this part. Here's numerical, sir. APC, APS, APC, MPC. Sir, what is the average propensity to consume, marginal propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to save. इस concept को बहुत easily clear करना है, जिसमें consumption function, saving function को clear करना, confirm number आएंगे आगे, paper में numerical भी आएगा, वो भी बहुत easy है। उसके अलावा किसी का कोई doubt होता है, तो आप comment box में आएंगे। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, और हाँ कुछ नहीं घटा ये सब करना गाइस, ऑल द बेस्ट।